फरीदाबाद में छात्र संघ चुनावों का बहिष्कार करने वाले विभिन्न छात्र संगठनों ने YMC यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर लगभग 2 घंटे तक धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन वहां से उठाया तो पुलिस और छात्र छात्राओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। गौरतलब है कि पूरे हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जा रहे हैं, जिनका विरोध इनसो, NSUI, युवा आगाज छात्र संगठन जैसे विभिन्न संगठन कर रहे हैं। फरीदाबाद में जैसे ही सुबह YMCA यूनिवर्सिटी में मतदान शुरू हुआ, विभिन्न संगठनों के छात्र छात्राओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात भारी पुलिस बल ने जबरन उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की। छात्रों को गेट से उठाने की कोशिश में छात्रों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस छात्रों को गेट से उठाने में कामयाब रही। फरीदाबाद में छात्र संघ चुनावों के ड्यूटी मजिस्ट्रेट SDM बल्लेवंड ने बताया कि सभी कॉलेजों में शांतिपूर्वक मतदान चला हुआ है। आज छात्र संघर्ष समिति जो बनाई गई थी, जिसमें इनसो, NUCI, युवा आगाज, DSFI और CYSST सब ने मिलकर आज जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी YMCA उस पर है प्रत्यक्ष चुनाव के ना कराने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हमारी सबकी मांग है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, लेकिन जब हमको यहाँ के पता चला कि यहाँ पर तो धांधली चल रही है, जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है। अभी एक मामला सामने आया कि एक छात्र वोटिंग डाल गया है, लेकिन ना उसके पास आई कार्ड है, ना उसके पास कोई निशान है कि उसने वोट डाली है। यहाँ का VC, YMCA यूनिवर्सिटी का VC यहाँ जबरदस्ती ABVP जो इनकी विंग है उनको जिताने का काम कर रही है, लेकिन सभी छात्र संगठन इसका विरोध करेंगे। मामला कोर्ट में भी है इसको लेके, और आने वाले वक्त में इनको दिखाएंगे को जो ये तानाशाही सरकार अपना रही है 2019 में इनका सुपड़ा साफ होगा, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। वोटिंग अंदर बिल्कुल पीसफुल है और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। तो अभी छात्र संघ के चुनाव किस तरीके चल रही है, क्या प्रक्रिया चल रही है, कितना परसेंट हो चुके हैं? 12 बजे तक पोलिंग चलेगी। पहले CR का चुनाव होगा, उसके बाद फिर उनकी जो बॉडी होगी आगे उनका चुनाव होगा। अभी पूरे तरीके से फरीदाबाद में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है, सब जगह शांतिपूर्ण वोटिंग पीसफुली चल रही है और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अंदर मैं बात करके आया हूँ, बच्चे वोट कर रहे हैं, आई कार्ड है सबके पास, किसी तरह का कोई अंदर कोई टकराव नहीं, कोई विरोध नहीं। ABP पार्टी में छोड़ करके क्या और पार्टियों ने भी कुछ इसमें नॉमिनेशन किया है, देखा कुछ आपने? नॉमिनेशन यहाँ संगठन के आधार पर नहीं है, स्टूडेंट के आधार पर है। YMCA पे हमारी जो प्रत्यक्ष छात्र संघर्ष समिति है, सारे छात्र संगठन इकट्ठा होकर YMCA को बिल्कुल बंद कराने के लिए इलेक्शन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन और BJP सरकार ने VC को इस तरह का बैठा रखा है कि जो अपनी मनमानी चला रहा है। यहाँ पे छात्रों में इतने मतलब इलेक्शंस में इतनी धांधलेबाजी चल रही है कि किसी कोई भी छात्र जाके वहाँ पे इलेक्शन में वोट डाल सकता है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई निशान अगर है, गाइडलाइंस आई हुई है कि सभी छात्रों को निशान लगाए जाएंगे, उनका आई कार्ड चेक होंगे, किसी का भी हो है। हम यहाँ पे किसी काफ़ी छात्रों से बात की है, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे से कोई किसी का तरह का कोई आई कार्ड या निशान नहीं है हमारे ऊपर। ये स्पेशल मतलब सीधा से सीधा धांधलेबाजी सिर्फ और ABVP को जिताने के लिए की जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं जो छात्र संगठन है। हाँ जी, जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हो, भविष्य में कोर्ट में जा सकते हो आप? कोर्ट में तो ये है, कोर्ट में तो चल रहा है मतलब, और ये 12 तारीख इसमें हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में लगी हुई है, और ये हो सकता है कि ये उच्च न्यायालय इस इलेक्शन को बिल्कुल ही कैंसिल कर सकता है।